ESPN9 News और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की संपत्ति को लेकर के एक बड़ा खुलासा करने वाली हूं मैं आज के इस खास रिपोर्ट के जरिए। तो इस खास रिपोर्ट को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि अरविंद केजरीवाल की संपत्ति में और उनकी सैलरी को लेकर के क्या कुछ ऐसा है जो शायद आपको पता होना चाहिए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी है। अरविंद केजरीवाल पूर्व में एक ब्यूरोक्रेट और एक्टिविस्ट रह चुके हैं। उन्होंने परिवर्तन नाम से एक मूवमेंट भी चलाया। उनकी पार्टी के समर्थक उन्हें प्यार और सम्मान से आम आदमी भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस आम आदमी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सैलरी क्या है, उनकी क्या क्या सुविधाएं मिलती है और उनकी पूर्व की जिंदगी कैसी रही। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जो है paycheck.in के अनुसार अरविंद केजरीवाल को हर महीने 4 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। इस तरह से उनकी सालाना सैलरी 48 लाख रुपए बनती है। दैनिक रूप से गणना करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हर दिन 18,416 रुपए से ज्यादा और साप्ताहिक तौर पर 92,000 से ज्यादा की सैलरी मिलती है। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिए गए हल्फनामे के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कुल 3,44,00,000 रुपए थे, अधिक की संपत्ति है। आपको बता दें कि उसी के साथ उन्होंने अपने हल्फनामे में यह भी बताया कि उन पर किसी भी कोई के भी देनदारी जो है वो नहीं है। मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को कई तरह के अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जिनमें ट्रैवल अलाउंस और रहने के लिए घर की सुविधा और सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा उन्हें कार और सुरक्षा भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन नाम से एक मूवमेंट की भी शुरुआत की, जिसके तहत सूचना का अधिकार कानून के लिए लड़ाई लड़ी गई। उनकी सरकार नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने पब्लिक रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की, जिसके तहत सरकारी तंत्र में पारदर्शिता के लिए काम किया गया। आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने मुख्य भूमिका में रहे। पूरे आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे के बाद वो सबसे सक्रिय व्यक्ति रहे। सरकार के साथ किसी भी तरह की बातचीत में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास जैसे लोग हमेशा रहते थे। आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन के बाद से राजनीति पार्टी को बनाने की बात जो है अरविंद केजरीवाल ने सूझी और इसे संयोजक बने और उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम देकर के जो है शॉर्ट में उसे आप यानी कि आप रख दिया। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर साल 2006 में अरविंद केजरीवाल को सूचना का अधिकार कानून बनाने के लिए चलाए गए परिवर्तन मूवमेंट और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर मैगसेस अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने साल 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर दिसंबर से फरवरी 2014 तक 49 दिन की सरकार चलाई। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इतिहास रचा और उनकी पार्टी दिल्ली की कुल 70 में से 67 सीटें जीतने के सफल रही। इस तरह से वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को एक बार फिर से बहुमत मिला और दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जाना कि उनकी सैलरी कितनी है और उनके पास कुल आय कितनी है। अब इस तमाम खास रिपोर्ट में बस आज के लिए इतना ही। तो देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की संपत्ति जो है वो खोल करके सामने आने लग गई है। कितने आंकड़े उनकी संपत्ति में और कितनी उनकी सैलरी के आंकड़े हैं ये तो हमने आपको अच्छे से बता ही दिया है। और इन दिनों जब से वो MCD का चुनाव जीते हैं, इससे पहले शराब कांड हुआ था, तमाम मुद्दों के बीच में उनकी संपत्ति को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे थे और आज उन्हीं सवालों को जवाब देते हुए मैंने आज ये खास रिपोर्ट तैयार किया ताकि आप लोग को पता चले कि आखिरकार कौन कितना सही और कौन कितना गलत। फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ESPN9 News।